पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश को बसपा के एकमात्र राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नियुक्त कर लिया है। आकाश पहले भी रामजी गौतम के साथ पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक थे, लेकिन अब उन्हें अकेले ये जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी सूत्रों की माने तो इस कदम से संकेत मिलता है कि आकाश को एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि संभवतः मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में हो सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का इस बारे में कहना है, पार्टी में उनकी भविष्य की भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इस कदम से ये स्पष्ट हो गया है कि आकाश एक विशेष पद पर हैं और अब उन्हें आगे एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी की माने तो आकाश को जानबूझकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार से दूर रखा गया, क्योंकि मायावती नहीं चाहती थी आकाश एक ऐसे समय पर पदार्पण करें जब पार्टी सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। आकाश कई अन्य राज्यों में पार्टी की बैठकों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जहां उनकी भूमिका को बेहतर ढंग से परिभाषित किया गया है। आपको बता दें, मायावती के छोटे भाई आनंद के बेटे आकाश हमेशा उनके साथ साय की तरह रहते हैं। बीएसपी के नेता एक दूसरे को फ़ोन कर आकाश के बारे में हमेशा से जानना चाहते रहे हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता आकाश का मोबाइल नंबर पता करने में जुटे रहते हैं। आपको बता दें, आकाश को हमेशा से ही मायावती के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। मायावती ने साल 2017 के दौरान पहली बार आकाश का परिचय अखिलेश यादव से अपने भतीजे के तौर पर करवाया। महंगे कपड़ों के शौकीन आकाश के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में उनकी गहरी दिलचस्पी है। लंदन से उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। बीएसपी की बैठकों में वो बिना कुछ बोले मायावती को देखते और सुनते हैं। उनकी वजह से मायावती के कार्यक्रमों की अब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होने लगी है। बिना नाम और पहचान के उनकी टीम सोशल मीडिया में एक्टिव है। बीएसपी में अध्यक्ष के बाद संवैधानिक तौर पर उपाध्यक्ष ही सबसे बड़ा नेता होता है। काशीराम ने मायावती को उपाध्यक्ष बनाया, बाद में वो पार्टी की अध्यक्ष बन गई। मायावती ने अपने भाई आनंद को उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया। आपको बता दें, जब से आकाश को मायावती भविष्य के रूप में स्वीकार रही हैं, बीएसपी के भविष्य के रूप में उन्हें तैयार कर रही हैं, तब से ही आकाश आनंद को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चे जोरों शोरों के साथ होने लगे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।